खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुरलीगंज के रामपुर में बीडीएल डीलर रूबी कुमारी पति शंभू कुमार की बड़ी मनमानी आई सामने। लाभुकों से करते हैं अवैध तरीके से बात, धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि इस बार लूट रहे हैं, इस बार के बाद मौका नहीं दीजिएगा, इस बार लूटने दीजिए। आपको बताने की बीते दिनों मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के रामपुर निवासी अमित कुमार लाभुक डीलर साहब के घर अनाज लेने राशन लेने पहुंचे थे। उन्होंने अपना राशन लिया और राशन लेकर घर आए। घर जैसे ही आए तो उन्होंने तोलना शुरू किया। जब उन्होंने तोला तो 10 किलो अनाज कम था। उन्होंने अपनी शिकायतें फोन के माध्यम से डीलर साहब को दी। डीलर साहब ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमने आपको पूरा चावल दिया है। जब लगातार अमित कुमार के द्वारा रिक्वेस्ट की गई तो डीलर ने खुद कबूल किया कि इस बार लूट रहे हैं, इस बार लूटने की योजना है, इसके बाद नहीं लूटेंगे। उन्होंने और भी लाभुकों की शिकायत अपने फोन के माध्यम से डीलर साहब को दी और जब बताया कि लाभुक मूर्ति देवी को आप कितना चावल दिए, 50 किलो चावल देने में आप 3 दिन लगा दिए, बल्कि वो भी पूरा नहीं हुआ, 38 किलो ही हुआ, आखिर क्यों दिए, ये कैसा नियम है। डीलर साहब इतने में ही घबरा गए और बताया कि हम उनको पूरा चावल दे चुके हैं। डीलर साहब धमकी बड़े शब्दों में लाभुक अमित कुमार को बताया, जो करना है कर लीजिए, ऐसा ये हम नहीं कहते हैं, ये लाभुक अमित कुमार ने बताया। वही हमारे जिला ब्यूरो आरजू अंसारी ने जब इस ऑडियो क्लिप के बारे में डीलर साहब से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि झूठा आरोप है, लाभुक झूठ बोल रहे हैं। इतना बोलकर उन्होंने घबरा गए। जफीर उनसे पूछा गया कि ये कौन सा नियम है, आप 50 किलो चावल 3 दिन में पूरा करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये नियम है, हम दे सकते हैं। या फिर हमारे जिला ब्यूरो आरजू अंसारी ने एमओ साहब को कॉल से बातचीत की तो उन्होंने सभी बातों को सुनकर डीलर साहब की गलती बताई और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जांच कर सही जांच उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वही स्थानीय लाभुकों ने लगातार डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी की भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बीते साल इनके यहाँ यही सब मामला देखने को मिला था, जब डीलर रूबी कुमारी लाभुकों के माल बेच रहे थे तो खुद पकड़े गए थे। अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि एमओ साहब क्या कार्यवाही कर पाते हैं। मधेपुरा से जिला ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की रिपोर्ट। 7 किलो कम जाता है यहाँ से ले जाने के बाद। क्या नाम है डीलर का? शंभू। रूबी कुमारी? रूबी कुमारी। लगातार आप लोग जब यहाँ से चावल ले जाते हैं तो 5-7 किलो कम जाता है। क्या नाम बोले अपना? चावल कचरा देता है। पूरा मतलब आकार दिखाइएगा। मतलब लगातार जो है आप लोग जब यहाँ से ले जाते तो चावल कम जाता है ऑटोमेटिक। तो अभी नहीं दिया चावल खाने वाले है ही नहीं। आपको कितना मिलता है चावल? गेहूँ 6 आदमी का 5 किलो 5 किलो जो है। अभी तो 1 फ्री वाला है 1 पैसा वाला है तो 4 किलो गेहूँ देते हैं, 6 किलो चावल देते हैं। तो ये फ्री वाला जो कब से कब तक चलेगा सर? ये तो बोले हैं कि दीपावली तक चलेगा सर। सर तो बोले दीपावली छठ तक चलेगा, कब तक चलेगा ये सब हम लोग सबको नहीं पता है सर। क्या नाम बोले अपना? अपना नाम है सर। और इसमें अंत्योदय वाला जो है तो जैसा कि आपने सुना